तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दो प्रकार का भक्त के बारे में उल्लेख किए हैं, एक बिल्ली के बच्चे जैसा ईश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से निर्भरशील है, और दूसरा प्रकार अपना सामर्थ्य अनुसार ईश्वर लाभ करने का प्रयास करते हैं। दोनों ही प्रशंसनीय है। दो प्रकार का भक्त का फर्क एक कहानी से समझाया जाता है। दो मित्र एक जंगल से पार हो रहे थे, लेकिन चलते चलते शाम हो गया, संध्या हो गया, और उन लोग जंगल अतिक्रम कर नहीं पाया। भयानक जंगल है, नाना प्रकार का खतरनाक जानवर है। ये सोचते हुए एक मित्र भयभीत होकर रोने लगे और पुकारने लगे, हे ईश्वर कृपा करो, उद्धार करो, और निश्चिष्ट होकर बैठ गए। दूसरा बंधु क्या किया, ओगने ने कहा, देखो भाई, इसके लिए ईश्वर को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर रात बिता लेंगे, अगर ईश्वर की कृपा होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ये इस आशय से वो पेड़ में चढ़ गए। तो जो पेड़ में चढ़ गए वो बंदर के बच्चे जैसा है, और जो चुपचाप नीचे बैठ गया वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। तो हमें यद्यपि ईश्वर के प्रति शरणागत होना इतना आसान नहीं है, हमें अपने सामर्थ्य अनुसार ही प्रथम प्रयास करना चाहिए एवं साथ साथ ईश्वर के ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए। ये बात श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर एक रविंद्र संगीत के माध्यम से प्रकाश किया, तो अनवद्य प्रकाश है। उन्होंने कहा, विपदे मोरे रक्षा करो ए नहे मोर प्रार्थना, विपदे जन ना करि भय, दुखे तापे व्यथित चिते नाई बा दिले सांत्वना, दुखे जन करिते परि जय। आफत होने से हे प्रभु मुझे रक्षा करो, ये मेरा प्रार्थना नहीं है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अपना सामर्थ्य अनुसार मैं चुनौती का सामना कर सके और निर्भय होकर
अपना कर्म कर सके। भाई ही पाप है, भाई मृत्यु है। एक अन्य संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, आमी भय करबो ना, दुबेला मरा डागे मरबो ना भाई मरबो ना। हम लोग कोई प्रतिकूल अवस्था आने से भयभीत होकर पहले ही मर जाते हैं। कहते हैं कि सुबह शाम डेली हम लोग ऐसी करके मृत्यु का पहले ही भय से हमारा मौत हो जाता है। समझने कहते भाई पाप भाई मृत्यु है, तो निर्भय होकर रहना चाहिए, ये रविंद्रनाथ कहते हैं। इस संगीत में सुंदर ढंग से व्याख्यान किया कि आफत होने से मैं आपसे यही नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ जब आप मुझे रक्षा करें, ये प्रार्थना है आफत में निर्भय होकर सामना कर सकें। फिर आगे कहते हैं, सहाय आमार ना यदि जुटे, निजेर वर ना जानो टूटे, तो अगर हमारा कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कम से कम हमारा जो अंतर्निहित शक्ति है उसके बलबूते में सब कुछ सामना कर सके। संसारेते घटिले क्षति, लोभिले शुद्ध वंचना, निजेर मने ना जाना करी क्षय। संसार में अगर कोई नुकसान होता है और कोई हमें परेशान करते हैं, वंचना करते हैं, इससे हमारे दुखी होने का कारण नहीं है। हम हर वक्त सोचते हैं हमारा माँ अदृष्ट का परिहास है, भगवान कितने निर्दय है, ये को भी होना नहीं चाहिए। कभी ये नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए। निजेर मने ना जानो करी क्षय, ये हमारा जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो घट जाता है। निर्भयों के सामना करना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं, आमारे तुम्हि करिबे त्राण ए नहे मोर प्रार्थना, তরিতে পারি শকতি যেন হয়। আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা, হরিতে পারি এমনই যেন হয়। অর্থাৎ ये संसार में जब हम दुखी हो जाते हैं तब हम सहानुभूति का प्रार्थी हो जाते हैं। वी बिकम सीकर्स ऑफ सिंपैथी, ये स्वाभाविक है। सोचते हम तो अकेले हैं तो हमें कौन मदद करेगा, किसी को मदद मांगने का जरूरत नहीं है। भगवान हमारे प्रत्येक के भीतर इतना ही सामर्थ्य दे के भेजे हैं ताकि हम उससे हमारा अपना चुनौती सामना कर सकें।
ये भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए। जितने कठिन चुनौती है वो प्रमाण है मैं उतना भी ऊंचा हूँ। एक कहावत है कि वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर्स आर सर्व द हार्डेस्ट बॉल्स। टेनिस का जो खिलवाड़ी होते हैं उनको सामने मशीन से गेंद फेंका जाता है और जितने पारदर्शी है उतना ही तेजी गेंद फेंका जाएगा क्योंकि वो उसको सामना करने में समर्थ है। साधारण खिलवाड़ का बात देने से वो जख्म हो जाएगा लेकिन ये वो नहीं होगा तो अपने शक्ति पर बलबूते करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए आपको ये सांत्वना नहीं मांग रहा हूँ। अपना शक्ति से मैं अतिक्रम कर सकें यही प्रार्थना है। और आगे कहते हैं आखिर में नम्र शिरे सुखेर दिने तुम्हारी मुख लोई वो चीने। विपदे राते সংসারেতে যেদিন করে বঞ্চনা তোমারে যেন না করি সংশয়। জব জীবন মে আচ্ছা বুরা দু কিসম কই সময় আতা হ্যায়। জব আচ্ছা সময় আতে হ্যায় হাম ভগবান কো ভুল জাতে হ্যায় और जब बुरा समय आते हैं हम भगवान को याद करते हुए कोसते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। दोनों समय में ही भगवान की याद करना चाहिए। जो जब सुसमय आता है तब घमंड नहीं होना चाहिए कि ये मेरे सामर्थ्य से हुआ है। कितना सुंदर ढंग से बताया नम्र शिरे गुड टाइम्स शुड मेक अस हम्बल नॉट फुल ऑफ प्राइड। यहाँ बहुत कुछ कर लिया एट दैट टाइम लेट अस नॉट फॉरगेट टू आइडेंटिफाई हिज फेस। नम्र शिरे सुखेर दिने तुम्हारे मुख लोई वो चीने। वो जो ईश्वर का ही हाथ से ही तुम्हारा इतना हुआ है ये कभी भूलना नहीं। याद रखो उन्हीं का सहारा से ही तुम यहाँ पर पहुँचे हो। और जब तुम्हारा विपद होता है आफत होता है सारे संसार तुम्हें वंचना करते हैं उसी समय अचानक सुख के समय सब मदद करते रहते हैं दुख के दिन कोई नहीं देखता है। दुखे दिने विपद लाते सारे संसार जब तुमको वंचना कर रहे हैं तब तुम्हारे जो नाकुरी संशय ये नहीं कभी होना चाहिए ये प्रभु आप मुझे भूल गए आप मुझे ख्याल नहीं कर रहे हो। उस समय नम्र होकर उनका दया का देन याद रखना चाहिए कि आप कृपा करके हमें इतने कठिन चुनौती दिया है ताकि हमारे भीतर जो छिपा हुआ ऊर्जा है वो विकसित हो सके हमें और उन्नत करने के लिए और अच्छा करने के लिए आप हमें ये कठिन परीक्षा के भीतर से ले जा रहे हो ताकि हम ये चुनौती सामना करते हुए
जीवन में सफल हो सके, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उज्ज्वलतर बनाने के लिए प्रभु ने कृपा करके चुनौती के सामने हमें डालते हैं। घबराना नहीं चाहिए, ये बात है। आनंद सहकार निर्भय होकर भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए अगर हम जीवन के इस प्रकार सामना कर सकें तो इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करते हुए जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जप यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग अपना अपना निर्धारित समय पर ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में जरूर अंश ले लीजिएगा। लिंक में सबके निर्धारित समय दिया हुआ है, जिनको नहीं मिला है कृपया हमें सूचना दे देंगे। इस नंबर में डालने से हम लोग उसको अंतर्भुक्त कर लेंगे। इसके साथ साथ आज सुबह 10 से 11 बजे तक प्रवचन द गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का रोचक प्रसंग हो रहा है, एवं शाम को 5 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम, स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान पर चर्चा, निर्देशित ध्यान, भजन इत्यादि शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, एवं संध्या के उपरांत सामूहिक भजन। रविवार का सामूहिक भजन मैं ही करना चाहता हूँ, आप लोग सब साथ में रहेंगे। ये सब अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।